हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो नवरात्रि से रिलेटेड है और नवरात्रि में वास्तु और न्यूमरोलॉजी के कौन से अच्छे टिप्स आप यूज करें जिससे आपके नवरात्रि शुभ और बहुत प्रॉस्परस रहे। नवरात्रि अपने आप में नव रूपों का एक प्रतीक है। आदि शक्ति का जन्म इन चैत्र नवरात्रि में हुआ था, जिससे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की जो संरचना करने का जो दायित्व था आदिशक्ति को वो प्रदान किया था। तो 9 दिन बहुत ही शुभ और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज के साथ भरे होते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि आदिशक्ति के 9 रूपों का ही सबसे ज़्यादा ध्यान क्यों करना चाहिए। तो अगर अंक शास्त्र के हिसाब से हम 9 नंबर को भी देखते हैं तो 9 नंबर अपने आप में एक कंप्लीट नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर है, जो आखिरी नंबर होता है आपके सीक्वेंस ऑफ नंबर्स में, और ये कंप्लीशन का और बिगनिंग का भी प्रतीक है। तो 9 नंबर में जो वाइब्रेशंस होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, और सारे नंबर्स को जो हम जोड़ते हैं तो उसका जो अंत होता है और जो उसकी शुरुआत होती है वो भी 9 माना जाता है। हिंदुइज्म में भी 9 नंबर का बहुत खास वो विशेष महत्व है। कैसे, हम जब भी पूजा या ध्यान करते हैं तो हम 108 ही बारी किसी भी मंत्र का उच्चारण करने की सलाह देते हैं। उसमें आपके जो 3 नंबर आते हैं वो अपने आप में कंप्लीशन का एक प्रतीक होते हैं। 9 नंबर नवग्रहों का भी नंबर होता है, 9 नंबर नवरत्नों का भी नंबर होता है, 9 नंबर नव साधनाओं का भी नंबर होता है, जिन्हें हम 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति कहते हैं, जो प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को समझाई थी। तो होली के बाद पड़ने वाला ये एक बहुत ही सुंदर और पवित्र टाइम रहता है, क्योंकि इससे आपका जो हिंदू नववर्ष है वो भी शुरू होता है। तो बहुत खास रहता है ये आपकी सुख समृद्धि और नए साल के सृजन के लिए। तो देखिए, इसको करने का जो तरीका है, वो जो पूजा है और जो सब लोग अपने घर में करते हैं, वो सबका सेम रहता है और उसकी विधि आपको पता है। बट कुछ ऐसे वास्तु के टिप्स हैं जो आप करें और उसका अगर आप ध्यान रखें तो आपके घर की जो एनर्जीज हैं उसमें जो डायरेक्शंस होती हैं वो भी बहुत आपका सपोर्ट करती हैं आने वाले साल में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि नवरात्रि है और आदि शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें हम ध्यान रखते हैं कि शक्ति की जो डायरेक्शन है, यानी कि साउथ ईस्ट जोन, यानी कि शुक्राचार्य की जो जोन होती है, उसमें आप एक अखंड दीपक 9 दिन के लिए जलाएं, और अच्छा हो कि वो अखंड दीपक आप गाय के घी का जलाएं। तो इससे आपका जो एक शक्ति का, आपका जो एक लिक्विडिटी का, कैश का, और जो लेडीज ऑफ द हाउस है उनके वेलबींग का जो सोर्स है वो बनने लगता है। नंबर 2 टिप इज कि आप जब भी पूजा शुरू करते हैं नवरात्रि की, तो मंदिर की साफ सफाई करके ही करें, और मंदिर के नॉर्थ ईस्ट में एक कलश भर के 9 दिनों के लिए रख दें, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द मंदिर में। और इस पर्टिकुलर कलश के अंदर आप अक्षत डालना चाहें या सिक्का डालना चाहें चांदी का, तो आप उस कलश में डाल सकते हैं, मगर दुर्गा माता का आवाहन करते हुए आप इस पर्टिकुलर कलश की स्थापना करें। नंबर 3 टिप इज के हर रोज आपको आपके मंदिर में रखे जाने वाली मूर्ति, दुर्गा मूर्ति, शक्ति मूर्ति, लक्ष्मी मूर्ति को सिंदूर चढ़ाना ही चढ़ाना है, या अगर आपके पास लिक्विड सिंदूर या कुमकुम है तो उनको पूजा करते वक्त हर रोज सिंदूर जरूर अर्पण करें। अगर आपके पास लाल गुलाब है तो लाल गुलाब और मीठा साथ में अर्पण करें। नंबर 4th टिप इज नवरात्रि की शुरुआत में लाल चुनरी वाला ध्वज अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में जरूर लगाएं, जिससे आपके घर के अंदर जो फेम और सोसाइटी में आपका नाम है वो भी बना रहता है।
नंबर फिफ्थ टिप इज, जरूरी है कि आप इन 9 दिनों में घर के अंदर जो मंदिर है उसमें पूजा करें तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपके घर के पास कोई शिव शक्ति मंदिर या कोई दुर्गा मंदिर है तो आप ज़रूर वहां जाके उनका दिया जलाएं और अपनी मनोकामना को उनके साथ शेयर करें और उनसे कल्याण की रिक्वेस्ट करें। नंबर सिक्स टिप इज, क्योंकि हमने आदिशक्ति की बात करी है और आदिशक्ति शुक्र का प्रतीक वास्तव में मानते हैं, चंद्रमा को भी हम एक फेमिनिन प्लैनेट और ऊर्जा से रिलेट करते हैं, तो हमारे घर के अंदर 9 दिनों तक पानी का वेस्टेज या लीकेज, क्योंकि चंद्रमा को हम गंगा जल से या हम पानी से कनेक्ट करते हैं, किसी भी तरीके का पानी का वेस्टेज 9 दिनों में आप ना करें और ये ज़रूर देखें कि आप ऑप्टिमम पानी और लिक्विड को कंज्यूम करें ताकि आपकी भी बॉडी का जो चंद्रमा यानी कि जो वाटर है वो बैलेंस रहे 9 दिनों तक। और ये भी ध्यान रखें कि जो आपके घर के अंदर आपका किचन है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है अपने शरीर को चलाने की या फैमिली की जो हेल्थ होती है उसको मेंटेन करने की, तो वो भी एक शक्ति का प्रतीक माना जाता है, उसको 9 दिनों तक बिल्कुल रात को साफ सुथरा करके सोएं। और हर रोज़ ये काम ज़रूर करें कि अगर चूल्हा आप सुबह जलाते हैं तो नहा धो के ही आप सबसे पहले अपना चूल्हा जलाएं और उसके बाद कुछ कुक करें। अपने बाथरूम्स को क्लीन रखें जिसके अंदर भी वीनस और लग्जरी का जो कॉम्बिनेशन है वो सेट होता है, जिससे आपके जो 9 दिन होते हैं वो और एनर्जाइज होंगे। नेक्स्ट टिप इज, अपने ऑफिस या घर के बाहर का जो मेन गेट होता है उसमें एक मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर उसमें लाल या पीले फूलों की एक उरली बनाएं और हर शाम उस उरली के पास एक छोटा सा घी का दिया जलाएं। आई होप कि आप नवरात्रि में इन टिप्स को यूज करेंगे और आपके घर में बहुत सुख समृद्धि आएगी। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस नवरात्रि। जय माँ दुर्गा।